नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओएआरओ और यूपीपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए यूपी स्पेशल की क्लासें चल रही है, जिसमें आज हमारी जीके जीएस की सेकंड क्लास होगी। इसमें हम उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि जितनी भी यूपीपीएससी के माध्यम से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी में जो भी यूपी स्पेशल जीके से प्रश्न बने हैं, उन सभी को आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास आ चुका है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, तो आप जाइए उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। जी हाँ दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश इतिहास का प्रश्न है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो बरेली है वहां पर 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो खान बहादुर गफ्फर खान ने किया था। अब नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, हजरत महल ने आपके लखनऊ से नेतृत्व किया था और कुंवर जगदीश सिंह ने आपके जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी नगर है उसे हम कहते हैं आलमगीरपुर। क्या नाम उसका? आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी यूपीपीएससी प्री एग्जाम जो 2023 में वहां पर पूछा गया है और ऊपर वाला भी जो प्रश्न है ये भी आपका प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह का स्थान और उनकी तिथि को सुमेलित करना है और इनमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे लखनऊ 4 जून 1857 को हुआ था, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा झांसी 11 मई 1857 को, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है मेरठ 10 मई 1857, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। याद रखें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने इनको क्या दिया था? राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ये यूपीपीएससी प्री 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे मांडी पूछा जाएगा, एक होता मांडा और एक आपका मांडी। ठीक है, तो मांडा है ये आपके जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा और मांडी जो शहर है ये आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी। ये आरओएआरओ 2021 में प्री परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इनको गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, ये भी आरओएआरओ 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो हम फिर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा चेत सिंह को। याद रखेंगे बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा चेत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है, यूपी आरओएआरओ 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आंसर होगा 1833, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद हैं। यहाँ दोस्तों, जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलेगा जो भगवती सूक्त और अमुत्तर निकाय में है। तो उन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं? याद रखें दोस्तों, उसमें से 8 महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मिलते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन आप सभी के बीच इस प्रकार आते हैं, आप बताएंगे। ये भी देखिए आरओएआरओ 2021 में प्रश्न पूछा गया है, तो आप यहाँ से एक चीज समझ जाएंगे कि हमारी जो परीक्षा आने वाली है यूपीपीएससी आरओएआरओ, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं, वो आप यहाँ से ट्रेंड एक चेक कर सकते हैं और यूपी स्पेशल को उसी अकॉर्डिंग आप तैयार रखेंगे। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन की। तो सभी को बताएं कि लखनऊ अधिवेशन आपका 1916 में हुआ था, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। तो बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का चौथा। देखिए बी का चौथा तो आपको यहाँ देखने को मिला है और बी का चौथा आपको यहाँ देखने को मिला है।
अब बात करेंगे सी, यानी सी का पहला, सी का पहला कहाँ देखने को मिला, तो आप देखेंगे यहाँ देखने को मिला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ए का तीसरा हो जाएगा, तो मेरठ अधिवेशन कब हुआ, 1946 में हुआ, और बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ, तो इस प्रकार ये सुमेलित होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो प्रथम भारतीय महिला ने की थी, कौन थी उनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। यहाँ दोस्तों ये प्रयागराज का जो किला है ये महाराणा अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ये गंगा नदी के तट पर है, गंगा यमुना के संगम पर है, तो अंग्रेजों ने इस पर कब अधिकार किया, और वर्तमान में ये छावनी बन चुका है, ठीक है, इंडियन मिलिट्री की छावनी के रूप में स्थापित है। इसका जो सही आंसर होगा 11वें प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1797 में, याद रखेंगे 1797, और ये भी परीक्षा 2021 आरओ में पूछा गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1797। अगला प्रश्न बारे में, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश यानी विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के जो प्रथम या पहले गवर्नर थे वो कौन थे, याद रखें दोस्तों सरोजिनी नायडू को बनाया गया था, गवर्नर का अर्थ है राज्यपाल, ठीक है, आप याद रखेंगे राज्यपाल, आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न ये देखिए, आरओ आरओ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का हुआ है उसमें 2020 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 13 में, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वत कहा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस सब परीक्षा देखिए किसी पीसीएस में कभी आरओ में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित था। यहाँ पर शब्द दिया एग्रोनोमी, और ये जो अधिकारी था इसका कार्य क्या था, याद रखेंगे साथीगढ़, इसका कार्य था मार्ग निर्माण, याद रखेंगे, और राजस्व प्रबंधन, तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कीजिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। 15वां प्रश्न है आप सभी के बीच, बताइए बताइए, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। दूसरी आगे बात करें उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल कैसा था, कृषक था। रिंग वैदिक काल की बात करें तो रिंग वैदिक काल कैसा था, चारागार से संबंधित था। और मध्य काल की बात करें तो ये जमींदारी प्रथा से संबंधित था। तो इसी प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पर हट आयोग, एक आयोग का नाम था जिसका नाम है हट आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन है। यहाँ पर दो कथन दिए, हट योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, हट योग क्रिया को सूफी संतों से भी अपनाया था। तो आप बताएंगे कौन कौन से कूट सही हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही कूट आपके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर, एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहाँ निकलते हैं। दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दमदमा से। ये इतिहास का प्रश्न है, एंशियंट हिस्ट्री का प्रश्न है, परंतु यूपी स्पेशल से ये प्रश्न पूछा गया है। तो दमदमा आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। दोस्तों याद रखेंगे बुद्ध के अंकन आपको कनिष्क के सिक्कों पर देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और जो कनिष्क के ही समय में बौद्ध संगति हुई थी, तो आप कमेंट करके बताएंगे कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी, इन चार में से, क्योंकि बौद्ध धर्म की चार बौद्ध संगति होती है, तो आप बताएंगे कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है 19वां, पहला मुगल शासक, पहला गुप्त शासक किसने सिक्के जारी किए, बताइए पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, उसका नाम आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है 20वां, कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत, याद रखेंगे इसे, परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था, उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए ये पीसीएस प्री परीक्षा पूछा गया है, पीसीएस प्री परीक्षा में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पुष्यमित्र सुंग द्वारा दो अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से देखने को मिलती है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये अभिलेख आपका अयोध्या अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 22वां, कहर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थापित की थी। याद रखें दोस्तों ये कन्नौज में स्थापित की थी, और ये देखिए यूपी पीसीएस प्री में परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक
कौन थे? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? यहाँ पर आप बताएंगे त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, प्रत्याहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चोल साम्राज्य। ये हिस्सा नहीं था। ये हिस्सा कौन कौन थे? तो ये तीन साम्राज्य थे जो आपस में लड़ते रहे, प्रत्याहार, राष्ट्रकूट और पालवंश। इसमें चोल शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? याद रखेंगे दोस्तों दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक का उसका नाम था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, बट ये दिल्ली का शासक नहीं है, लाहौर का शासक बना था। दिल्ली को जो राजधानी बनाया था वो इल्तुतमिश ने ही बनाया था, इसीलिए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक पूछा जाए तो इल्तुतमिश को ही टिक करेंगे। और ये यूपीपीसी 2002 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, उच्च पुरापाषाण काल यानी युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश की वेलन घाटी से। अब आप कमेंट करके बताएंगे, मैंने अगली वीडियो में बताया था कि वेलन घाटी किसकी सहायक नदी है और कहां पर ये पाई जाती है, वेलन नदी। अगला प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकालीन चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इल्तुतमिश के समय में आया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति को अपनाया था? दोस्तों इसका नाम है बलबन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ किया था? तो उस शासक का नाम आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न है कि टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन सा, एक तो टोपरा तथा मेरठ अभिलेख दोनों को दिल्ली लाकर लाया गया था, तो ये अशोक के अभिलेख थे जिनको फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। अगला प्रश्न है 31वां, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा नगर की स्थापना की अगर बात की जाए तो आगरा नगर को बसाने वाला शासक था सिकंदर लोधी, और आगरा नगर की जो स्थापना की गई थी वो 1504 में की गई थी, और इसको राजधानी का जो दर्जा दिया गया था वो 1506 में दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन किसने कहा था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, और ये यूपीपीसीएस प्री परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। याद रखें ये जो वक्तव्य था, ये जो कथन था, ये रामानंद जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से ना तो उसका धर्म पूछेगा ना उसकी जाति पूछेगा, ये था ऑप्शन नंबर बी रामानंद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? केवल एक पक्ष द्वारा, दोस्त याद रखेंगे वो युद्ध था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध हुआ था बाबर, ठीक है, बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोधी के बीच, इब्राहिम लोधी के बीच। और युद्ध की डेट आप याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? तो दोस्तों याद रखेंगे अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसब पर आधारित थी, जैसे मनसबधारी कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा अपनाई गई 16 कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ये जो 16 कुल की जो अवधारणा थी ये किस पर आधारित थी? याद रखेंगे ये थी राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण पर। तो इस प्रकार तीनों ही कथन सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? दोस्तों याद रखेंगे जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया था? व्यक्ति का नाम है कैप्टन हॉकिंस, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ये देखिए मेंस परीक्षा हुई थी पीसीएस की 2015 में, उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्त याद रखेंगे उस समय यहाँ के जो व्यक्ति थे जिनका नाम था मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से प्रयागराज से इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में लखनऊ के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? अभी हम ऊपर आपको बता चुके थे बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि देवबंद आंदोलन जो यूपी संयुक्त प्रांत में कब प्रारंभ हुआ था? याद रखेंगे देवबंद आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो डेट याद रखेंगे 1866 में। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, हिंदुस्तान रिपब्लिक
संगठन की स्थापना की गई थी? याद रखना दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपके लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? यानी जो ऑप्शन दिए गए आपके सामने चार, इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है वो आपको बताना है। लोथल की बात करें तो लोथल आपका कहाँ पर है? तो सभी साथीगढ़ याद रखेंगे, ये आपके गुजरात में देखने को मिलता है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा भी आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, कालीबंगा। अब आपका एक तो आलमगीरपुर आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा आपका हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो तीन चार जहाँ भी ऑप्शन आपको दिख जाए टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखिए 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण पूछा है, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों सबको पता है, मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई को, ठीक है, 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1857 में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? यानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, इस प्रकार से प्रश्न बना है। तो इनका जन्म दोस्तों जो वाराणसी है वहां पर इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के बरेली नेतृत्व किसने किया था? आपके लिए 1857 इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आप यहां से जरूर एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे आप यूपी स्पेशल पढ़ें, चाहे आप उधर जाके आप जो मॉडर्न हिस्ट्री उसको पढ़ें, कहीं ना कहीं से आपका प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार 47 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान बहादुर गफ्फर खान। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था? ये दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युवराज का, ठीक है, युवराज का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका जो सही जवाब होगा 49 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवध से थी। अगला प्रश्न, नाना साहब का कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया था 1857 की क्रांति के समय? तो तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर एंड चीफ थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब तात्या टोपे का आप नाम बताएंगे, इनका उपनाम क्या है बताइए फटाफट, ठीक है, और नाना साहब का, दोनों का बताइए। अगला प्रश्न, 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? देखिए एक नाम तो अभी आ ही गया, निम्न में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग देखने को मिलता है? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या मंगल पांडे, बताइए इनमें से किस व्यक्ति का नाम था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इससे प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते रहते हैं। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा वो आपका तात्या टोपे, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? यानी इनमें से कौन सा व्यक्ति था जो 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं था? दोस्त याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह। यहाँ दोस्तों ऊधम सिंह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया या समर्थन किया या तटस्थ बनाए रखी या विरुद्ध युद्ध किया? याद रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ था, आप ऑप्शन पढ़ के बताएंगे। तो दोस्तों उसमें भारतीय सिपाहियों ने उद्देश्य की एकता की कमी देखने को मिली थी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, ब्रिटिश सिपाही अच्छी और सुसज्जित संगठित थे और भारतीय सिपाही संगठित नहीं थे, आधुनिक हथियार नहीं थे और आदान प्रदान का, परिवहन का, संचार का माध्यम नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब आपके लिए 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने के लिए, चाहे आप यूपीपीएससी 2024 का पेपर दें, चाहे आप आर ओ आर ओ 2023 का एग्जाम दें। अगर यूपीपीएससी के माध्यम से कोई भी परीक्षा होती है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके लिए 1857 की क्रांति पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यानी 1857 की क्रांति हुई थी उसका सरकार की तरफ से कौन सा इतिहासकार था? तो मित्रों याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस एन सेन। जी दोस्तों, एस एन सेन को सरकारी इतिहासकार के रूप में शामिल किया गया था।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित किस क्रांतिकारी ने एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। तो आप बताइए इनमें से वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसने ये कथन कहा था। तो दोस्त याद रखेंगे अभी 15 अगस्त आपका आने वाला है और ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी है ऐसे वीर योद्धा है उनके लिए पुनः आप सभी एक बार स्वतंत्रता क्या नाम इसका के सम्मान में अपने देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है उसका सम्मान करें और बड़े हर्ष उल्लास से स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट करें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहने वाले व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा और ये यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों प्रश्न थे इतिहास से, जो यूपी स्पेशल का इतिहास है, चाहे वो इंडियन आपका एंशियंट हो, मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, तीनों ही इतिहास से मिलाकर हमने 56 प्रश्न देखे जो यूपीपीएससी आरओएआरओ यूपीपीसीएस प्री परीक्षा चाहे वो मुख्य परीक्षा होती हो 2017 तक हुई थी उनमें ये जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कहीं के आप देखो यहाँ पर तो लोअर सबोर्डिनेट की जो परीक्षा होती है जैसे हम लोअर पीसीएस कहते हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर आप इन 56 प्रश्नों को भी अच्छे से लगा के जाते हैं तब भी आपके एक ना एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा और अक्सर इन्हीं प्रश्नों में से आपके रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसकी बाद अगली वीडियो जो हमारी यूपी स्पेशल की आने वाली है उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप सभी उस वीडियो को समय पर देख लें। थैंक यू। जय हिंद।